हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं दिलीप शर्मा भारतीय कृषि कोचिंग इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूं। आज मैं आपके लिए एग्रीकल्चर अपडेट्स, ये अपडेट्स इसलिए लेकर आया हूं क्योंकि अभी रिसेंटली ICAR का एग्ज़ाम होना है। इस वीडियो सेशन पे एग्रीकल्चर अपडेट्स के साथ साथ भारतीय कृषि कोचिंग इंस्टीट्यूट के द्वारा जो ICAR बैच स्टार्ट किया जा रहा है उन बैचेस के बारे में जानकारी दिया जाएगा। ओके, तो इस वीडियो सेशन को स्टार्ट करने से पहले कुछ मोटिवेशनल थॉट लेकर आया हूँ। समय ना लगाओ तय करने में आपको क्या करना है, वरना समय तय कर लेगा कि आपका क्या करना है। इसका कहने का मतलब ये है कि अभी रिसेंटली हम बात करेंगे तो एग्रीकल्चर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में CGPAT, MPPAT, देन BHU एग्जाम अभी होना है ना। तो ICAR एग्जाम से रिलेटेड भी आपको तैयारी करना है, तो आपको ज़्यादा सोचने की जरूरत नहीं, डायरेक्ट आपको तैयारी करना है, तैयारी में जुट जाना है ना। तो कुछ एग्रीकल्चर अपडेट्स हैं, क्वेश्चंस हैं, उस क्वेश्चंस को फोकस करते हैं, है ना। फर्स्ट क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, वर्ष 2020-21 में भारतवर्ष में कुल खाद्यान्न उत्पादन हुआ। ये एग्रीकल्चर अपडेट्स है कि भारत में 2020-21 में कुल खाद्यान्न उत्पादन कितना हुआ। तो यहाँ पे ऑप्शन ए पर दिखाई दे रहा है 284 मीट्रिक टन, ऑप्शन बी पर है 285 मीट्रिक टन, देन ऑप्शन सी पर है 297 मीट्रिक टन, ऑप्शन डी पे है 310 मीट्रिक टन। यदि हम बात करें अभी वर्तमान 2020-21 में 310 मीट्रिक टन खाद्यान्न उत्पादन हुआ है। यदि हम बात करें इस डेट पे और क्वेश्चंस का, इससे पहले यदि हम बात करें तो 2017 और 18 में खाद्यान्न उत्पादन था 284 मीट्रिक टन, 2018 से 19 में खाद्यान्न उत्पादन था 285 मीट्रिक टन, 2019 से 20 में खाद्यान्न उत्पादन था 297 मीट्रिक टन, अभी वर्तमान 2020-21 की बात करें तो 310 मीट्रिक टन टोटल सीरियल्स प्रोडक्शन खाद्यान्न उत्पादन हुआ है। अभी रिसेंटली में दो और एग्जाम हुए जिसमें क्वेश्चन पूछा गया GDP से रिलेटेड, तो GDP भी अपडेट हुआ है। यदि हम बात करें टोटल कृषि का, एग्रीकल्चर का इंडियन GDP में, कृषि का भारत के सकल घरेलू उत्पाद में, ग्रास डोमेस्टिक प्रोडक्ट में रिसेंटली कितना परसेंट का कंट्रीब्यूशन है, तब आंसर देंगे 20.2%, 20.2% का योगदान है। क्लियर। यदि हम बात करें हॉर्टिकल्चर क्रॉप, उद्यानिकी फसलों का, हॉर्टिकल्चर क्रॉप का इंडियन GDP में कंट्रीब्यूशन कितने परसेंट का है, अभी अपडेट की बात करें तो 30% है, 30% तक सकल घरेलू उत्पाद में योगदान देता है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है आपके लिए। हॉर्टिकल्चर से रिलेटेड जो GDP में क्वेश्चन पूछा गया था उसमें अकॉर्डिंग टू ऑप्शन 30-32%, 30-32% को आंसर लिया गया है। ये रहा मेरा फर्स्ट क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन की ओर कैरी करते हैं। सेकंड नंबर पे आपको दिखाई दे रहा है, वर्ष 2020-21 में भारतवर्ष में कुल खाद्यान्न उत्पादक राज्य कौन सा है, कुल खाद्यान्न उत्पादक राज्य कौन सा है, है ना। मैंने टोटल प्रोडक्शन के बारे में बताया अभी प्रीवियस क्वेश्चन पे, है ना। इसमें फर्स्ट ऑप्शन पे दिखाई दे रहा है उत्तर प्रदेश, ऑप्शन बी पे है पंजाब, ऑप्शन सी पे है वेस्ट बंगाल, देन ऑप्शन डी पे है आंध्र प्रदेश। ओके, यदि टोटल सीरियल्स प्रोडक्शन की बात करें, कुल खाद्यान्न उत्पादन की बात करें, तो भारत में कुल खाद्यान्न उत्पादन में 2020-21 में सर्वाधिक उत्पादन करने वाला कोई राज्य है तो वह है पश्चिम बंगाल, वेस्ट बंगाल है। ओके, क्लियर। तीन क्वेश्चन और हम फोकस करना चाहेंगे। यदि आपसे पूछे कि भारत का वह कौन सा राज्य है जो सर्वाधिक धान का उत्पादन किया अभी, तो भारत में सर्वाधिक धान का उत्पादन करने वाला राज्य है वेस्ट बंगाल। कौन सा है? वेस्ट बंगाल। यदि हम पैडी क्रॉप की बात करें
तो इंडिया में सबसे ज्यादा प्रोडक्शन करने वाला स्टेट कौन सा है? वेस्ट बंगाल। यदि हम वीट क्रॉप की बात करें, गेहूं की बात करें, तो गेहूं की फसलों में सर्वाधिक रिसेंटली सबसे ज्यादा उत्पादन करने वाला कोई राज्य है तो वो राज्य कौन सा है? पंजाब। कौन सा राज्य है? पंजाब। ओके, ये दो क्वेश्चन ज्यादातर आपके एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है? तो याद रखिएगा, ज्यादा चीजों पर फोकस नहीं किया क्योंकि वीडियो लेक्चर में हम शॉर्ट तरीके से ओके बता रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम आगे बढ़ते हैं। भारत में फल का उत्पादन है, भारत में फल का औसतन उत्पादन है, द एवरेज फूड प्रोडक्शन ऑफ इंडिया, ओके, द एवरेज फूड प्रोडक्शन ऑफ इंडिया, ऑप्शन ए पे है 63.5 मीट्रिक टन, ऑप्शन बी पे है 90 मीट्रिक टन, देन ऑप्शन सी पे है 102 मीट्रिक टन, देन ऑप्शन सी पे है 196 मीट्रिक टन। ओके, ये भी अपडेटेड डेटा है। यदि हम बात करें इससे पहले फ्रूट का प्रोडक्शन 2017 की बात करें, 17-18 में ये था, बट अभी 2018-19 की बात करें 90 मीट्रिक टन, देन ऑप्शन सी इज राइट आंसर 102 मीट्रिक टन। वर्तमान में 102 मीट्रिक टन फल का उत्पादन हो रहा है। यदि हम वेजिटेबल्स की बात करें, सब्जी की बात करें, तो भारत में सब्जी का जो उत्पादन की बात करें तो 196.20 मीट्रिक टन उत्पादन हो रहा है। क्लियर? द नेक्स्ट वन इज, भारत में किस फसल का सर्वाधिक उत्पादकता है? विच फ्रूट हैज द हाईएस्ट प्रोडक्टिविटी? ओके, तीन चीज होता है, एरिया, प्रोडक्शन एंड प्रोडक्टिविटी। ओके, यदि हम प्रोडक्टिविटी की बात करें तो मैक्सिमम प्रोडक्टिविटी जो है तो सबसे ज्यादा इंडिया में प्रोडक्टिविटी है पपाया का। ऐसा कहा जाता है कि 40 मीट्रिक टन जो होता है वो किसका है? पपाया का। यदि सेकेंड नंबर की बात करें तो 36 मीट्रिक टन जो प्रोडक्शन होता है वो बनाना का है। यदि 13 मीट्रिक टन की बात करें तो थर्ड नंबर पे आता है सिट्रस, और मैंगो की बात करें तो 9 मीट्रिक टन प्रोडक्शन होता है। यदि आपसे एग्जाम में पूछा गया कि इंडिया में सबसे ज़्यादा प्रोडक्टिविटी किस फ्रूट्स में है तो पपाया, एरिया की बात करें तो मैंगो, प्रोडक्शन की बात करें तो बनाना, एंड प्रोडक्टिविटी की बात करें तो पपाया। बट अभी रिसेंटली एक एग्जाम हुआ, उसमें पूछा गया था कि मैक्सिमम प्रोडक्टिविटी किसका है, ऑप्शन में पपाया नहीं था, उस सिचुएशन पे आंसर लिया गया क्या? बनाना। ओके, क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन, आपने एग्रीकल्चर के एग्जाम में देखा होगा, बायो ग्रुप हो चाहे एग्रीकल्चर ग्रुप हो, उसमें पूछा जाता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फर्स्ट मैनमेड सीरियल्स, प्रथम मानव निर्मित अनाज की फसल कौन सा है? तो मैं आपके लिए हटकर एक अलग क्वेश्चन लेकर आया हूँ। ये क्वेश्चन है, प्रथम मानव निर्मित फल कौन सा है? द फर्स्ट मैनमेड फ्रूट इज, द फर्स्ट मैनमेड फ्रूट, ठीक, राइट आंसर इज ए स्ट्रॉबेरी। ओके, यहाँ पे तीन क्वेश्चन बताना चाहूंगा। यदि आपसे पूछे कि प्रथम फसल कौन सा है, द फर्स्ट मैनमेड क्रॉप, प्रथम मानव निर्मित फसल कौन सा है, तब ऑप्शन देंगे ट्रिटिकल। क्या आंसर देंगे? ट्रिटिकल। ओके, यदि आपसे एग्जाम में पूछा जाए कि प्रथम मानव निर्मित सब्जी कौन सा है, द फर्स्ट मैनमेड वेजिटेबल इज, तब आंसर देंगे रुद्भगा। ओके, क्या आंसर देंगे? रुद्भगा। ये तीन क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण लगा मुझे आपके लिए, ठीक। ओके, द नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे हम बढ़ते हैं। कपास में उपस्थित जीन है, यदि हम एग्रीकल्चर की बात करें तो एग्रीकल्चर के जितने भी बड़े कॉम्पिटिटिव एग्जाम हैं उन सब में जीन से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाता है ना। अभी तक आप धान और गेहूं के बारे में ज्यादातर क्वेश्चन देखे होंगे, मैं कॉटन से रिलेटेड क्वेश्चन लेकर आया हूं आपके लिए। कपास में उपस्थित जीन है, द जीन प्रेजेंट इन कॉटन इज, ऑप्शन ए पर है डिजोजीन, ऑप्शन बी पे है नोरिंटेन, ऑप्शन सी पर है ट्रिप्स 23, देन ऑप्शन डी पे है क्राई 1 एसी जीन। ऑप्शन डी इज राइट आंसर, कपास में जो जीन है वो क्राई 1 एसी जीन पाया जाता है। यदि हम डीजो जीन की बात करें तो डीजो जीन धान की फसलों में है, किस फसल में प्रयोग किया जाता है जी? धान की फसलों में। यदि नोरिंटेन की बात करें तो नोरिंटेन जीन का प्रयोग गेहूं की फसलों में किया जाता है, ट्रिप्ट
23 की बात करें तो ट्रिप्ट 23 का प्रयोग बाजरा में किया जाता है। ओके, देन कभी कभी मैंने एग्जाम में क्वेश्चन देखा मक्के से रिलेटेड, यदि आपसे एग्जाम में पूछा गया कि मक्का में प्रयोग किए जाने वाला जीन कौन सा है, तो मक्का में प्रयोग किए जाने वाला जीन कौन सा है, ओपेक टू। ओके, ये रहा कुछ इंपॉर्टेंट रिलेटेड क्वेश्चन, है ना, आईसीआर से जो न्यू बैच जो स्टार्ट होना है उसके बारे में जानकारी सर आपको देंगे। ओके, हेलो डियर स्टूडेंट, मैं अभिषेक चौबे आपके अपने भारतीय कृषि कोचिंग इंस्टीट्यूट के इस यूट्यूब चैनल में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूँ। अभी हमारे सर दिलीप शर्मा सर जी के द्वारा एग्रीकल्चर से जुड़े हुए जो इम्पोर्टेंट अपडेट है वो आपको बताया जा रहा था। मैं आप लोगों के बीच एक इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट पे डिस्कशन करने के लिए आया हूँ। आप उस अपडेट को जानने के लिए वीडियो में लास्ट तक जरूर बने रहेगा, और अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो हमारी संस्थान भारतीय कृषि कोचिंग इंस्टीट्यूट के द्वारा 20 जून 2022 से ICAR का जो क्रैश कोर्स है उसका एक नया बैच स्टार्ट होने जा रहा है। ये जो हमारा बैच है आपका 20 जून से स्टार्ट हो जाएगा। बहुत सारे ऐसे भी बच्चे हैं जिनको ICAR के बारे में जानकारी नहीं है, मैं आपको हर एक जानकारी स्टेप बाय स्टेप बताने वाला हूँ कि कैसे आप अपनी एग्ज़ाम की तैयारी करेंगे, किस ग्रुप से आप एग्ज़ाम दे सकते हैं, और आपका किन विषय पे हमें काम करना है और तैयारी कैसे करनी है, ये सब चीज़ मैं आपको बताने वाला हूँ। आप वीडियो में लास्ट तक ज़रूर बने रहिएगा, ठीक है। तो चलिए ध्यान से देखिएगा, सबसे पहले हम बात करें कि ICAR का जो एग्ज़ाम है उसे किन ग्रुप के बच्चे दे सकते हैं। तो ICAR का जो हमारा एग्ज़ाम है उसे तीन ग्रुप के बच्चे दे सकते हैं। पहला अगर बात करें तो बायोलॉजी, दूसरा है मैथ, और थर्ड है आपका एग्रीकल्चर। अगर आप बायोलॉजी के बच्चे हैं तो आप तीन ग्रुप से पेपर दे सकते हैं, ABC, PCA, PCB। यदि आप मैथ के बच्चे हैं तो आप दो ग्रुप से पेपर दे सकते हैं, PCA, PCM। और यदि आप एग्रीकल्चर के बच्चे हैं तो भी आप कितने ग्रुप से दे सकते हैं, दो ग्रुप से। अब आपके मन में एक सवाल आ रहा होगा, सर ये PCA, ABC क्या है? तो यहाँ पे A का मतलब है आप एग्रीकल्चर, और B का मतलब है बायोलॉजी, और C का मतलब है आपका केमिस्ट्री। ओके, अगर आप बायोलॉजी के बच्चे हैं तो आपको तीन ग्रुप यदि ऑप्शन है तो उसमें किसी एक ग्रुप से आप अपनी एग्ज़ाम को दे सकते हैं। तो यदि आप मान लो अगर ABC ग्रुप से एग्ज़ाम देते हैं तो आपका जो पेपर रहेगा उसमें एग्रीकल्चर, बायोलॉजी और केमिस्ट्री का प्रश्न पूछा जाएगा। अगर आप PCM की बात करें, PCA यदि आप मैथ के बच्चे और PCM ग्रुप से दिलाएंगे तो आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ पढ़ना पड़ेगा। यदि आप PCA से दिलाएंगे तो फिजिक्स, केमिस्ट्री और एग्रीकल्चर ये आपको पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। तो ये मैंने आपको बताया कि आप किन किन सब्जेक्ट के बच्चे इस एग्ज़ाम को दे सकते हैं और किन किन ग्रुप से आप दे सकते हो, ठीक है, और आपको पढ़ना क्या क्या है ये मैंने आपको बता दिया, ठीक है। अब आपके मन में एक सवाल आ सकता है कि सर अभी तो ICAR का जो एग्ज़ाम का फॉर्म या कब होगा ये तो बिल्कुल भी अपडेट नहीं आए हैं। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो हमारा ICAR है उसका जो एस्टिमेटेड डेट है वो आपका अगस्त बताया जा रहा है। जी हाँ, 99% चांस है कि आपका अगस्त में ICAR का जो एग्ज़ाम है वो कंडक्ट होने वाला है। तो इसके अकॉर्डिंग देखा जाए तो आपके पास पूरे 2 से 2.5 महीने का समय है। मैं आपको बताना चाहूँगा कि बहुत से ऐसे राज्य हैं, यदि हम बात करें अपने ही छत्तीसगढ़ के बारे में बात करें तो आपका 5 जून 2022 को CGPAT का एग्ज़ाम हुआ है, छत्तीसगढ़ प्री एग्रीकल्चर टेस्ट। ऐसे और भी राज्य हैं जहां एग्ज़ाम अभी PAT का होने वाला है और कुछ राज्यों में हो भी चुका है। तो एग्ज़ाम में बहुत से ऐसे बच्चे जिनका एग्ज़ाम अच्छे से गया होगा, किन्हीं बच्चों का एग्ज़ाम किसी कारण से अच्छा नहीं जा पाया होगा,
तो आने वाला समय आपके लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी लेके आ रहा है। यदि आप ठान ही लिए हो कि आपको एग्रीकल्चर के बारे में पढ़ना है या उस फील्ड में आपको अपना करियर बनाना है, तो आने वाला समय आपके लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी लेके आ रहे हैं। आप ICAR की एग्ज़ाम की तैयारी को कर सकते हैं और आप ऑल इंडिया पूरे भारत में किसी भी कॉलेज में एडमिशन ले सकते हैं इस एग्ज़ाम के माध्यम से। ठीक है, तो ये मैंने आपको बता दिया कि किन किन ग्रुप से आप अपनी तैयारी कर सकते हैं। ठीक है, अगर जो बच्चे CGPAT का एग्ज़ाम दिलाए होंगे तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि आप कहीं ना कहीं क्रॉप पढ़े ही होंगे। क्रॉप मतलब फसल उत्पादन और आपका एनिमल पशुपालन, तो ये सब्जेक्ट यदि आप स्कूल में पढ़े होंगे। यदि बायोलॉजी की बात करें तो वो बायोलॉजी वाले जो बच्चे फिजिक्स केमिस्ट्री तो आप पढ़ते ही हैं अपने स्कूल में, बायोलॉजी भी पढ़ते हैं। यदि आप मैथ के बच्चे तो आपने मैथ फिजिक्स और केमिस्ट्री को भी पढ़ा होगा। यदि आप एग्रीकल्चर के बच्चे हैं तो क्रॉप और एनिमल तो पढ़े ही होंगे। बस आपको ज़रूरत है अपडेट होने का और आपको अपडेट कराएगी हमारी संस्थान, हमारी टीम। तो आप बिना देर करते हुए आप हमारा जो 20 जून से बैच स्टार्ट होने वाला है ICAR का, उसमें एडमिशन ले सकते हैं और तैयारी कर सकते हैं। अब आपके मन में सवाल आ रहा होगा कि सर इस बैच में एडमिशन लेने का प्रोसेस क्या है, तो मैं आपको बताना चाहूँगा हमारी संस्थान की दो ब्रांच है, एक है बिलासपुर में और एक है आपका दुर्ग में। बिलासपुर की बात करें तो वो है आपका इन फ्रंट ऑफ 36 मॉल बिसाइड बचपन प्ले स्कूल मुंगेरी रोड मंगला चौक बिलासपुर। और सेकेंड ब्रांच है हमारा दुर्ग में, जुगनू डेरा आदर्श नगर दुर्ग। ये हमारे संस्थान का नंबर है, आप किसी भी नंबर पे कॉल करके इंक्वायरी ले सकते हैं कि क्लासेस का शेड्यूल कैसा रहेगा, कब तक चलेगा। तो ये कब तक चलेगा ये चीज़ तो मैं आपको अभी से बता देना चाहूँगा कि हमारा जो क्लास है वो आपका 20 जून से स्टार्ट हो जाएगा और आपके ICAR एग्ज़ाम के होते तक हमारी क्लास चलने वाली है। यदि हम क्लास के शेड्यूल के बारे में बात करें तो हमारा जो क्लास का शेड्यूल रहेगा, मंडे टू सैटरडे क्लास और हर संडे आपका होगा वीकली टेस्ट, जो कि आपका ICAR का जो एग्ज़ाम होता है उसी के पैटर्न पे होने वाला है। तो आप बिना देर किए हमारे इस बैच में एडमिशन लीजिए और एग्रीकल्चर के फील्ड में एक सुनहरा भविष्य बनाइए। धन्यवाद, थैंक यू।